अक्षर और नारकिया पर भारी, रोहित और तिलक की पारी, आखिरी बॉल रोमांच में मुंबई की पहली जीत आई। जी हां, आईपीएल 2023 का 16वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां पे मुंबई इंडियंस ने आखिरी बॉल पे दिल्ली कैपिटल्स से को 6 विकेटों से मात दे दी है और पॉइंट्स टेबल में भी इसके साथ बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। रोहित शर्मा की टीम जो इस मैच से पहले 9वें स्थान पे खड़ी थी वो अब 8वें स्थान पे चली गई, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स अपने 4 के 4 मुकाबले हार के 10वें स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई है। मतलब उनके पॉइंट्स टेबल में कोई बदलाव नहीं आया, तो वहीं मुंबई इंडियंस को जरूर एक पॉइंट का एक जो पोजीशन है उसका फायदा मिला है। तो अगर हम इस मैच के रिपोर्ट कार्ड पे एक नजर उठाकर डालें तो यहां दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 20 ओवरों में 172 रनों का स्कोर बोर्ड पे लगाया। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तो वहां अक्षर पटेल ने शानदार 25 बॉलों पे 54 रन बनाया। इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 200 प्लस का था। एक वक्त तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम काफी बुरी स्थिति में फंस चुकी थी, क्योंकि पीयूष चावला का तूफान आया था मिडिल ओवर्स में और लगातार विकेट पे विकेट पीयूष चावला लिए जा रहे थे। अपने बुढ़ापे में भी वो अपना रंगत दिखा रहे थे। तो वहीं दूसरे एंड पर इनके कप्तान डेविड वार्नर स्ट्रगल किए जा रहे थे। उन्होंने 47 गेंदों पे 51 रन बनाया और उनका स्ट्राइक रेट 108 रन का था, जो कि डेविड वार्नर के क्षमता के अनुरूप काफी निराशजनक स्ट्राइक रेट रहा। पूरे आईपीएल 2023 में डेविड वार्नर ने जरूर कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है, लेकिन स्ट्राइक रेट अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो जो 172 रनों का टारगेट था उसको शायद डेविड वार्नर चाहते तो 180 या 185 पहुंचा सकते थे और इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते थे, लेकिन इनकी जो खराब बल्लेबाजी रही जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 172 रन ही बना पाई, वो तो अक्षर पटेल की तूफानी पारी थी जिसके कारण ये भी स्कोर पॉसिबल हो गया। अदरवाइज यहां तक भी दिल्ली कैपिटल्स का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल दिख रहा था। तो वहीं मुंबई इंडियंस जब चेज करने आई तो उनका जो शुरुआत था हर बार की तरह इस बार बिल्कुल विपरीत हुआ। पावर प्ले में खूब तोड़ाई की, अगर हम बात करें रोहित शर्मा की और ईशान किशन की, दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की पावर प्ले में और एक फ्लुएंट शुरुआत दी। जो शुरुआत इनको अभी तक इस आईपीएल में नहीं मिली थी वो शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने इनको करके दिया। ईशान किशन का दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट रहा, जहां रोहित शर्मा ने उनको यू कह सकते हैं जबरदस्ती रन आउट करवाया। लेकिन आज के जो स्टार परफॉर्मर थे मुंबई इंडियंस के तरफ से वो तिलक वर्मा थे और पीयूष चावला थे। पीयूष चावला ने अपनी गेंदबाजी में 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट लिया, तो वहीं तिलक वर्मा ने 29 गेंदों पर 41 रन बनाया और अपना छाप फिर से एक बार आईपीएल 2023 में छोड़ा और दिखाया कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है और वो जल्द ही भारतीय टीम से भी खेलते हुए दिखेंगे। जो ही तिलक वर्मा का विकेट गिरा वहां से मैच फिर से मुंबई इंडियंस के हाथों से सरकता हुआ दिखा, क्योंकि रोहित शर्मा का अगर पहले 22 बॉलों पे स्कोर कुछ अलग था, अगले 22 बॉलों पे रोहित शर्मा ने मात्र 18 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 100 के डाउन हो गया था, जिस कारण मैच मुंबई इंडियंस का जो एक तरफा हो गया था, एक तरफा वो जीत रहे थे, वहां से मैच डिप करके चला गया था दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में। एनरिक नॉर्किया ने अंतिम ओवर में 5 रन भी डिफेंड करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और आखिरी बॉल के रोमांच में वो मैच मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। लेकिन एक दिलचस्प मैच देखने को मिला, इस मैच के जो स्टार परफॉर्मर थे वो पीयूष चावला, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, ईशान किशन और उधर से अगर हम बात करें तो एनरिक नॉर्किया रहे और वहीं अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। तो आज के अपने मैच रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।